जबकि मैं हमेशा बताती हूँ, हमने उर्ली कांचन में हमारा सीईओ रिट्रीट वीकेंड होम प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आप जो भी एरिया में रहते हैं वहां पे आपका सेकेंड होम होना चाहिए। अगर आप खराड़ी, विमान नगर, अमिनोरा, एनआईबीएम, उंडरी इस एरिया में रहते हैं तो आपको इजीली एक्सेसिबल है उर्ली कांचन एज ए लोकेशन। बट फिर भी बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि दो इट्स अ रिट्रीट वीकेंड होम, बट फिर भी यहाँ पे लैंड का ग्रोथ अप्रिसिएशन स्कोप क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द उर्ली कांचन, एंड स्पेशली इट इज लिंक्ड टू जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है एक्सीलेंस फार्म्स का, जिसका नाम है शांतिवन, जो फुट हिल्स ऑफ धवलगढ़ आता है। ये लोकेशन से रिलेवेंट सभी की पॉइंटर्स, जिसके वजह से यहाँ के लैंड के रेट अप्रिशिएट होने की संभावनाएं है। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है, मैं रियल एस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 15 साल में मैंने 1500 से भी अधिक लोगों का फार्म लैंड लेने का सपना कंप्लीट किया है। उर्ली कांचन में ऐसी चार चीजें होने जा रही है जिसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएमआरडीए के वेबसाइट के ऊपर आप पीएमआरडीए डीपी प्लान डालते हो तो आगे के 25 साल तक यानी 2041 तक हमारे सिटी के डेवलपमेंट क्या होने वाली है, इसका प्रपोज प्लान ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया हुआ है और इसके अंदर मेंशन किए गए हुए हैं ग्रोथ सेंटर्स ऑफ पुणे, जिसमें टोटल 18 ग्रोथ सेंटर्स यहाँ पे मेंशन है, उसमें से एक ग्रोथ सेंटर है उर्ली कांचन। इसका मतलब ये है कि सिटी के ग्रोथ में उर्ली कांचन इक्विवेलेंटली इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप होके ग्रोथ फैक्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हम देखने जाते हैं रिंग रोड, जो आप डीपी प्लान में ही जाके उर्ली कांचन का अगर डीपी डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि रिंग रोड यानी जो MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये हमारी करंट साइट डाइम गांव में पड़ती है। डाइम गांव को लग के शिंदौनी गांव आता है, जहां से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी 23 मीटर एक्सपांड होने वाला वाइड रोड जा रहा है, जिसके वजह से रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो लैंड के रेट बढ़ेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी ने सुना होगा एंड बहुत बार लोग इसका मजाक भी बनाते हैं कि पुणे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, पहले चाकन में था अभी पुरंदर में हो रहा है। बट बी इट अ फैक्ट और नॉट, ऑब्वियसली जिन लोगों ने उस टाइम में चाकन में लैंड लेके रखी उनके लैंड के रेट अप्रिशिएट हुए ही। अगर आप उस तरह की सोच रखते हैं एंड गवर्नमेंट की MADC वेबसाइट पे जाके करंट पुणे एयरपोर्ट पे सर्च करते हो तो ये आपको दिखेगा प्रपोज ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट पुरंदर, जो हमारी करंट साइट शांतिवन डालिम में है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर पे आता है। मैंने इवन ये जो मैप पेस्ट किया हुआ है ये करंट MADC के वेबसाइट से किया हुआ है, जो आप भी खुद जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो। एंड फोर्थ ग्रोथ फैक्टर ऑफ उर्ली कांचन इज मेट्रो स्टेशन। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पुणे मेट्रो इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड मिनिस्टर है उन्होंने ये हिंदुस्तान टाइम्स थ्रू आई हुई न्यूज है डिक्लेयर किया हुआ है कि एग्जिस्टिंग जो मेट्रो लाइन है जो भैरोबा नाला टू लोनी आएगी उसको एक्सटेंड करके उर्ली कांचन तक लाइए, ये प्रपोज किया गया हुआ है। सो ऑब्वियसली कुछ चीजें डेवलपमेंट पार्ट पे प्रपोज होती है, सेकेंड लेवल पे बजट अलॉट होता है एंड थर्ड लेवल पे एक्चुअल काम शुरू होते हैं। जो रियल लैंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब सैंक्शनिंग स्टेज होता है उस लेवल पे ही पैसा डालते हैं, क्योंकि आगे के स्टेज में लैंड के भाव उतने ही बढ़ते जाते हैं। अगर आप सीरियस लैंड इन्वेस्टर हो, एनए प्लॉट के बजाय आपको बड़ा सा एग्रीकल्चर लैंड लेने की आप सोच रखते हो और वहां पे कुछ छोटा सा खुद का घर बना के फार्मिंग करने की अभी सोच रहे हो तो हमारा शांतिवन प्रोजेक्ट आपके लिए है। विल बी हैप्पी टू सर्व यू इन एनी वेज इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।